आज हम बात करेंगे द्वारका नगरी के डूबने की रहस्यमयी और दिलचस्प कहानी के बारे में। ये वही द्वारका नगरी है जिसे भगवान श्री कृष्ण ने गुजरात के तट पर बसाया था। द्वारका को भगवान कृष्ण की राजधानी कहा जाता है और इसे उनके जीवन के अद्भुत कारनामों में से एक माना जाता है। श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़ने के बाद इस नगरी को विशेष रूप से समुद्र के पास एक सुरक्षित और मजबूत स्थल पर बसाया था। ये नगरी इतनी भव्य और इतनी समृद्ध थी कि इसे उस समय के सबसे विकसित नगरों में से एक माना जाता था। यहाँ के महल सोने चांदी और बहुमूल्य पत्थरों से जड़े हुए थे और द्वारका का मतलब है दरवाजों का नगर, क्योंकि इस नगरी में 7 विशाल द्वार थे जो कि इसकी रक्षा करते थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर ये महान नगरी समुद्र में क्यों और कैसे समा गई। आज के वीडियो में हम इसी से जुड़े हुए तथ्यों को आपसे साझा करेंगे। ये घटना इतनी असाधारण थी कि इसके पीछे कई पौराणिक कहानियां और ऐतिहासिक फैक्ट्स भी बताए जाते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि समुद्र नेचुरल एक्सटेंशन था, जबकि कुछ इसे भगवान कृष्ण के जीवन और उनके वंश के पतन से जोड़ते हैं। द्वारका नगरी का निर्माण भगवान श्री कृष्ण ने किया था। महाभारत के युद्ध के बाद जब श्री कृष्ण ने मथुरा को छोड़ने का फैसला किया, तब उन्होंने अपने बड़े भाई बलराम के साथ मिलकर इस नगर को समुद्र के तट पर बसाया। द्वारका उस समय की एक समृद्ध नगरी मानी जाती थी, जिसमें की बहुत ही सुंदर महल और विशाल द्वार थे। यहाँ पर यदुवंश के लोग निवास करते थे। यह नगरी का पतन यानी कि डाउनफॉल की शुरुआत महाभारत का युद्ध समाप्त होने के ठीक बाद ही हुआ। माना जाता है कि 36 वर्षों तक द्वारका नगरी शांति से चल रही थी, लेकिन भगवान श्री कृष्ण और यदुवंश के लिए समय कुछ और ही सोच रहा था। जब माता गांधारी ने महाभारत के युद्ध के बाद अपने 100 पुत्रों के शव देखे तो वो गहरे शोक में डूब गई। भगवान कृष्ण, जो कि गांधारी का बहुत सम्मान करते थे, शोक प्रकट करने के लिए उनके पास गए। क्रोध और दुख से भरकर गांधारी ने श्री कृष्ण को यह श्राप दे दिया। उन्होंने कहा, जिस तरह से मेरे वंश का नाश हुआ है, उसी प्रकार से तुम्हारे वंश का भी नाश होगा। वहीं से इस नगरी का पतन अब शुरू हो गया। माता गांधारी का श्राप सच होने लगा था। द्वारका में अशुभ संकेत और अपशगुन नजर आने लगे थे। भगवान कृष्ण के पुत्र और अन्य यादव बालकों ने ऋषियों के साथ मजाक करने का प्रयास किया। उनका पुत्र गर्भवती स्त्री के रूप में ऋषियों के पास गए और पूछा कि इस स्त्री के गर्भ में क्या उत्पन्न होगा। इस अपमान से क्रोधित ऋषियों ने उन्हें श्राप दे दिया कि उनके गर्भ में एक मूसल यानी कि लोहे का हथियार उत्पन्न होगा, जिसके कारण से यदुवंश का विनाश होगा। श्राप के अनुसार गर्भ से एक लोहे का मूसल उत्पन्न हुआ। राजा उग्रसेन ने उसे समुद्र में फेंकवा दिया, लेकिन वह मूसल टुकड़ों में टूटकर समुद्र के किनारे आ गया और तबाही का कारण बन गया। इसी दौरान से द्वारका के निवासियों के बीच आपसी कलह बढ़ती गई और जल्द ही मूसल का उपयोग कर सभी यदुवंशी एक दूसरे का वध करने लगे। द्वारका के निवासियों के बीच मूसल युद्ध के साथ ग्रह युद्ध भी शुरू हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं इस ग्रह युद्ध में हस्तक्षेप नहीं किया और धीरे धीरे सभी यदुवंशी एक दूसरे को मारने लगे। इस भयंकर युद्ध में श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युमन और उनके सखा की भी मृत्यु हो गई। इस तरीके से गांधारी के श्राप की पूरी तरीके से पूर्ति हुई और यदुवंशों का अंत हो गया। यदुवंश के विनाश के बाद भगवान कृष्ण ने अर्जुन को द्वारका की सभी स्त्रियों और बच्चों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए कहा। अर्जुन ने उन्हें इंद्रप्रस्थ यानी कि वर्तमान दिल्ली में ले जाने की योजना बनाई। अर्जुन के वहां से निकलते ही द्वारका नगरी समुद्र में समा गई। कहा जाता है कि द्वारका के डूबने का मुख्य कारण समुद्र की बढ़ती लहरें थी, जो कि समय के साथ नगर को निगल गई। द्वारका नगरी के डूबने की पुष्टि केवल धार्मिक कहानियों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे साइंटिफिक और आर्कियोलॉजिकल सबूत भी मौजूद हैं। 1980 के दशक में ASI ने समुद्र के भीतर द्वारका के अवशेषों की खोज करी, जिससे कि यह साबित हुआ कि यह प्राचीन नगरी वास्तव में प्रेजेंस में थी। समुद्र के नीचे कई पुरानी इमारतों और मंदिरों के खंडहर मिले। इन अवशेषों को देखकर यह साफ हो गया कि कभी इस स्थान पर एक समृद्ध और विकसित नगर भी बसा हुआ था। आर्कियोलॉजिस्ट ने समुद्र की गहराई में पत्थर की दीवारों, सीढ़ियों और नगर की सीमा की संरचना खोजी। ये अवशेष इस बात की ओर इशारा करते हैं कि द्वारका एक अच्छी से प्लान्ड और डेवलप्ड सिटी था। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये नगर समय के साथ समुद्र के जल स्तर के बढ़ने से धीरे धीरे डूब गया। तो दोस्तों, द्वारका नगरी के डूबने की कहानी एक ऐसी रहस्य है जो कि पौराणिक कथाओं और वैज्ञानिक तथ्यों दोनों से ही जुड़ा है। भगवान श्री कृष्ण की यह नगरी केवल एक धार्मिक धरोहर ही नहीं, बल्कि भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।